अवैध आग्नेय शस्त्र के संगठित अपराधी गिरोह का क्राइम ब्रांच भोपाल ने पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच भोपाल ने 5 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 23 कट्टे सहित कुल 30 अवैध हथियार और 75 जिंदा कारतूस के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों की तस्करी एवं व्यापार करने वाले गिरोह के सदस्यों को क्राइम ब्रांच भोपाल ने गिरफ्तार किया है। ये अपराधी भिंड के हथियार तस्कर से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि कम रुपयों के अवैध हथियारों से ये व्यापार कर लाभ कमाते थे। प्रत्येक देशी कट्टा 2 से 3 हजार में खरीदकर 8 से 10 हजार रुपए में और पिस्टल 8 से 10 हजार में खरीदकर 20 से 25 हजार रुपए प्रति नग के भाव से बेचते थे। अवैध अग्नेय शस्त्र सिरोंज, पथरिया, कुरबई, शमशाबाद, भोपाल, मंडीदीप में भिंड से सप्लाई होते थे। संगठित गिरोह के सदस्यों द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने के लिए इलाके बांट रखे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन आरोपियों की धरपकड़ की। अब क्राइम ब्रांच इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। निश्चित रूप से तस्कर हैं, जितनी संख्या में आप जो कारतूस हों चाहे हथियार हों देख रहे हैं, निश्चित रूप से तस्कर हैं। जितना हमने अभी 2 दिन के इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ निकाली है, निश्चित रूप से तस्कर हैं और अपने जो धंधे के लिए या जो लाभ कमाने के लिए बेचते हैं, क्योंकि जो उसमें मैंने मेंशन भी किया है प्रेस नोट में, ये चीज़ आप देखोगे कि एक चीज़ जगह बन रही है 3 से 5 हजार में, वो 8 से 10 हजार में बिकती है और पिस्टल की कीमत तो 10 से 15 हजार तक की इन लोगों ने हमें जो पूछताछ में प्रारंभिक रूप से बताई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।